सुशांत सिंह राजपूत के घर उस दिन जो चाबी वाला गया था उसको कितने बजे बुलाया गया था, चाबी वाले को कितने बजे फोन किया गया और चाबी वाला कितने बजे पहुंचा, ये सारी खबर जो है आ रही है। दरअसल रफीक चाबी वाला है वो, और उसने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने कहा कि 14 जून को उसे लगभग 1:05 पर फोन आया था। जी हाँ, यानी सुबह से किसी ने कोई चिंता नहीं की कि 2-3 घंटे से दरवाजा बंद है। 1:05 पर चाबी वाले को फोन किया गया और उन्होंने बांद्रा के एक कमरे का ताला खोलने के लिए कहा। मैंने उनसे दरवाजे की लॉक की फोटो व्हाट्सएप पर शेयर करने के लिए कहा। तब तक मुझे नहीं पता था कि ये सुशांत सिंह राजपूत का घर है और ना ही मैं सिद्धार्थ पिठानी को जानता था। बाद में जब मैंने मीडिया में उसे देखा तो मैं पहचाना कि ये सिद्धार्थ पिठानी है। रफीक आगे कहते हैं, मुझे लोकेशन के बारे में बताया गया, मैं अपने साथी के साथ वहां पहुंचा तो मुझे छठे माले पर लेकर जाया गया जहां मुझे ताला खोलने के लिए कहा। मैंने कुछ मिनट तक कोशिश की उसे खोलने की, लेकिन बाद में मैंने कहा इसे तोड़ना पड़ेगा। मुझे बोला गया कि कमरे के अंदर से अगर कोई आवाज़ आती है तो तुम काम रोक देना। वहाँ एक कंप्यूटराइज लॉक था, मुझे उसे हथौड़ी से तोड़ना पड़ा। जैसे ही मैंने ताला तोड़ा मुझे 2000 रुपये देकर भेज दिया गया। मुझे अंदर कुछ भी देखने के लिए नहीं दिया गया। वो कहते हैं, मैं जब घर से जा रहा था तब सुशांत की बहन वहाँ थी, और उन्होंने ये कहा है कि जब मैं जा रहा था तब सुशांत की बहन वहीं थी। और वो कहते हैं कि सुशांत सीबीआई सुशांत केस की जांच कर रही है। इस पर जब सवाल पूछा गया तो रफीक ने कहा, मुझे किसी एजेंसी से में बयान देने के लिए नहीं बुलाया है, अगर बुलाया जाता है तो मैं बिल्कुल उनकी मदद करूंगा, लेकिन मेरा बयान मुंबई पुलिस पहले दर्ज कर चुकी है। तो ये उस चाबी वाले का बयान है कि 1:05 पर उनको फोन आया, उन्होंने व्हाट्सएप पर तस्वीर मांगी और जो है उन्होंने तस्वीर तो नहीं भेजी, लेकिन जब वो गए तब उन्होंने जब ताला देखा तो नहीं खुला, तो उनको कहा कि तोड़ो और अगर अंदर से आवाज़ आती है तो फिर रुक जाना। और उनका ये कहना है कि ये सब होने के बाद मुझे खोलने नहीं दिया गया, लेकिन मुझे 2000 रुपये दिए, और जब मैं वहाँ से जा रहा था तब वहाँ पर सुशांत की बहन वही थी। तो इस तरह का बयान चाबी वाले का आया है, तो मुझे लगता है कि जब वो जा रहे होंगे उसी दौरान जो है बहन आई होंगी, मीतू सिंह पहुंची होंगी, और उसी का जिक्र जो है रफीक कर रहे हैं।